मानव जीवन के सभी दुखों में से मुक्त रहेगा। और भक्ति परिपक्व होने के बाद बहुत सारे भक्तों के जीवन में हमने अनुभव किया है, वो जो बोले सो निहार। एक बार भक्ति परिपक्व होने के बाद उनको मन में संकल्प करने मात्र से काम हो जाता है। ऐसा हमने बहुत महात्माओं के पास देखा, बहुत संसारी सत्कर्मियों के पास देखा है, जो पूरा जीवन भगवान की भक्ति में, सेवा में, पूजा अर्चन में पवित्रता पूर्वक जिसने अपना जीवन बिताया, उनके बुढ़ापा में जो बोले वही होगा, जिनको वचन सिद्धि कही जाती है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, इसमें जाति ज्ञाति वर्ण भेदभाव को बहुत ध्यान में नहीं रखते हुए, किस कुल में, किस जाति में, किस समाज में आपका जन्म हुआ है, ठीक है जहां हुआ हुआ, लेकिन आप जन्म से महान नहीं, आपके श्रेष्ठ कर्मों से महान है। और कोई भी व्यक्ति निष्ठा से अपना जीवन बिताएगा तो उनको जरूर समाज में आज नहीं तो कल प्रतिष्ठा तो मिलने वाली है, और अलौकिक प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा भी बहुत लोगों को नहीं मिलती, बहुत कम लोग होते जिनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत कम लोग होते जिनको वचन सिद्धि मिलती है, बहुत कम लोग होते जिनको भक्ति और परमात्मा के प्रति श्रद्धा उठती है। पहले तो परमात्मा के चरणों में श्रद्धा स्थिर होना वो बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि मानी जाती है। जिनका मन परमात्मा में स्थिर हुआ उनसे बड़ी कोई उपलब्धि संसार में नहीं होती, लेकिन बहुत कम लोग होते जिनका मन परमात्मा के चरणों में स्थिर हो गया। ये भगवान विष्णु जी का सभी वचन है, इसलिए क्रमशः भगवान शंकर जी उन पर कृपा करते हैं। इसलिए भक्ति बाल्यावस्था से प्रारंभ करनी चाहिए। युवावस्था में तो भक्ति परिपक्व हो जाती है, और बुढ़ापे में तो मौन हो जाना है, बाद में तो कुछ माला नहीं, अरे स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं रहती वृद्धावस्था में। लेकिन दुख की बात है, बचपन खेल में खोया, पूरा जीवन खेल कूद में, युवा ने नींद भर सोया, कुछ आत्मे नहीं रहता। कोई भी युवा लड़का हो लड़की हो सोया रहता है। और जितने जितने महापुरुषों के जीवन चरित्र का हमने अभ्यास किया ना, उनके जब ने पहली बाबत ये लोग सोए नहीं है, ये लोग जागते रहे, खुद तो जागे दूसरों को जगाते रहे, बाकी तो भुलाती नथी आ सुखी जिंदगी, दिवसो याद करे पछी नानो तर बो सारू तू, अबे तो जवाबदारी आवी, बुढ़ो थाय तारे देखो युवानो तो तारे सारू, आखी जिंदगी ऐसे निकल जाती है।